आप भी गए थे। इसी में है क्या? दूसरा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया। देखिए ये चीज समझ लीजिए कि जो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो हठ योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, जो साधना करते हैं, है ना, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे राजयोग करे, है ना, चाहे कोई तंत्र, किसी तंत्र में, तंत्र का मतलब अविद्या तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्या तंत्र है, अविद्या तंत्र है, तो जिस भी मार्ग से कोई साधना करे, आत्म साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधक को सिद्धियां मिल ही जाती है। ऐसा नहीं सिद्धि नहीं होती, आप किसी को मतलब जितनी सिद्धियां मिलते हैं, कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसको उद्धरण करना चाहूँगा। पहला रामकृष्ण परमहंस, उसके भी जीवन काल में एक ऐसे जो साधक है वो आए उनके पास, वो बोले मैंने साधना की है और 25 साल मैंने साधना की और मैं पानी चल सकता हूँ। और वो क्योंकि रामकृष्ण परमहंस आप जानते हैं कि गंगा नदी किनारे, अब वहाँ बंगाल में दूसरा नदी बोलते हैं लेकिन है तो गंगा ही, उस नदी में वो पैदल चल के बता दिया, फिर वापस आए पैदल चल के। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आपने इस योग्यता हासिल करने के कितने साल लगाए? बोले 25 साल लगा मुझे। 25 साल लगा, बहुत अच्छी बात है। 25 साल आप केवल ये है कि योग साधना से आप नदी पार कर सकते हैं, मतलब इसमें नाव में जाएंगे तो 2 रुपया लगता है, 2 रुपया बचाने के लिए आप 25 साल आपने जीवन का बेकार कर दिया। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी, एक महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृतक बच्चे की जो माँ है उसको पता चला तथागत बुद्ध आए हुए हैं, वो उसके पास जाती है, वो कहते हैं आप तो तथागत हैं, मेरा एकमात्र विधवा महिला हूँ मैं, मेरा एकमात्र सहारा है और इसको आप जिंदा करें। बोले जिंदा तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त रखी कि आप गांव में जाएं और जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुआ हो उस घर से एक मुट्ठी आप सरसों ले आए। महिला आशा से, उम्मीद से हर घर पहुंची और उन्होंने कहा आपके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दिए। दिन भर घूमती रही, शाम को वापस लौटी, उन्होंने कहा ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु ना हुई हो। तो मृत्यु है वो अनिवार्य है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस महिला को सत्य का भान हुआ और बड़ी साधिका के रूप में वो प्रसिद्धि हुई। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए, ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूँगा, सिद्धियाँ हैं इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार, ये भी चमत्कार। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है, लोगों के जीवन में
क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो, अभी चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। समाज में ये बताना चाहिए कि हमको यम नियम से नियम का पालन करना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। यदि ये हमारे संत महात्मा लगातार बोलते आ रहे हैं, तभी तो हमारा कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, वो इस धरती पे आए और मिट गए, लेकिन भारत है, हमारा देश है और ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है, कोई खत्म नहीं कर पाया। तो जो लोग धर्म बचाने का ठेका लेते हैं ना, वो धोखे में।